हेलो दोस्तों स्वागत है आपका पूजा के चैनल में आज मैं आप सबके लिए मिक्स भेज लेकर आई हूँ वो भी पालक ग्रेवी में और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है समझिए और उतनी ही सेहतमंद है विंटर में सारी सब्जियाँ अवेलेबल रहती है आसानी से बन जाती हैं और मिक्स भेज रहता है तो खाने में का स्वाद आज अच्छा आता है ओके फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी यह हमने कुछ हरी सब्जियाँ ली हैं जैसे ब्रॉकली है गाजर है बीन्स है मटर पनीर आलू आप चाहे तो और भी अलग सब्जियां ले सकते हैं आपके ऊपर है चलिए मसाले देख लेते हैं मसालों में हमने लिया है लहसुन अदरक हरी मिर्च लाल मिर्च तेजपत्ता सफ़ेद मिर्च दालचीनी इलायची आधा चम्मच जीरा एक चम्मच धनिया तीन टमाटर एक प्याज और थोड़े से काजू टमाटर प्याज को हमने काट लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटा है बारीक काटने का जरूरत नहीं है ये एक बंडल पालक लिया है हमने जिसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है अब एक कढ़ाई में दो चम्मच घी डाल दे रहे हैं देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही स्वाद आएगा वाइट ऑयल में भी बना सकते हैं आपके ऊपर है इसमें जो खड़े मसाले थे हमने डाल दिए थोड़े मसाले भुन जाएंगे हल्के से बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है नहीं तो मसाले जलने के से स्वाद खराब हो जाएगा और ये लाल मिर्चा डाल दी उसी के साथ प्याज और हरी मिर्चें भी हमने डाल दी थोड़ी से प्याज को भूनने के बाद और जितने भी हमारे मसाले थे धनिया जीरा हमने काजू भी लिया था टमाटर जितना भी था सबने डाल दिया अब इसमें नमक डाल दे रहे हैं नमक डालने के बाद इसमें हल्दी डाल दे रहे हैं और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें दो चम्मच कसूरी मेथी कसूरी मेथी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे ये हमने कश्मीरी मिर्च का पाउडर भी डाला थोड़ा सा क्योंकि लाल मिर्च तो ऑलरेडी डाला था हमने अगर तीखा पसंद है तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते इसे ढक ढक के थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे लो फ्लेम पर और थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम आधा कप ज़्यादा नहीं आधा कप पानी डालकर इसे फिर से हम लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे अब ये पालक को हम थोड़ा गर्म पानी में डाल के बॉइल कर लिया है पानी फ्लेम को ऑफ कर दिया उसके बाद इसमें हम पालक को डाल रहे हैं पालक को थोड़ी देर रखेंगे इसमें पाँच मिनट के लिए उसके बाद इसे हम निकाल कर वो जो हमने ग्रेवी प्रिपेयर कर रहे थे उसमें डाल देंगे डालकर इसे भी लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे पालक को भी थोड़ा पकना ज़रूरी है थोड़ी तो देर पकाने के बाद इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से अब एक कढ़ाई में हमने घी गरम कर लिया और घी गरम करने के बाद जितने भी हमारी जो सब्जियां थी हरी सब्जियां जो हमने काट के रखी थी उन सबको एक साथ ही डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसको हम रोस्ट करेंगे और इसी दौरान हम ने जो पालक और सब्ज़ियाँ मसालों का जो मिक्स बनाया था उसे हम मिक्सर में पीस लेंगे ये नमक डाल दिया सब्ज़ियों के हिसाब से नमक डाला है हमने क्योंकि हमने मसाले में भी नमक डाला हुआ था हाई फ्लेम पर भुनेंगे मसा सब्जियों को सॉरी हल्का सा उसमें स्पॉट आ जाता है तो देखने में अच्छी लगती है सब्ज़ियाँ अब हमने जो पालक को और मसालों का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया उसी के साथ उसको धोकर इसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया हमने और इसमें हमने तो आलू यूज़ किया है तो आलू को थोड़ा पकाना ज़रूरी है इसीलिए थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और और पानी डालकर आलू को पकाएंगे क्योंकि ब्रोकली तो हल्की पकती है तो भी चलती है क्योंकि आलू को पकाना ज़रूरी है इसीलिए थोड़ा सा पानी डालकर हम पका रहे हैं अगर आलू यूज़ नहीं करें तो आप सब्ज़ी आपकी और भी जल्दी से बन जाएगी ये देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है अच्छी तरह से सब्जी पक भी चुकी चुकी है अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जो फ्रेश क्रीम रहता है हमने तो घर की मलाई यूज की थी दूध की मलाई अब चाहे तो फ्रेश क्रीम में एक चम्मच डाल सकते हैं ये गरम मसाला का पाउडर डाल दिया हमने वन फोर्थ स्पून और इसे अच्छी तरह से मिला कर फ्लेम को ऑफ कर देंगे अब इसमें हम तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए हमने लिया है दो चम्मच घी और इसमें बारीक कटा हुआ एक चम्मच लहसुन एकदम बारीक काटेंगे हम और ये फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसमें कश्मीर मिर्च का पाउडर डाल दिया है अच्छे कलर के लिए अब इसे सब्ज़ी पर हम स्प्रेड कर देंगे स्प्रेड कर देने के बाद उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और ले जी बन गई हमारी गर्मा गर्म मिक्स भेज रेस्टोरेंट स्टाइल और बात मानिए फ्रेंड्स अब इसे बनाएंगे तो सही में बहुत ही टेस्टी लगती है ओके फ्रेंड्स एंजॉय करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय